हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कॉलम की सेंटरिंग कैसे की जाती है और कॉलम में स्टार्टर किस टाइप डलता है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ताकि आप भी कॉलम में स्टार्टर किस टाइप डालते हैं, कॉलम की सेंटरिंग किस टाइप की जाती है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये रहा कॉलम और ये स्टार्टर डल चुका है। दोस्तों स्टार्टर एक पट्टी का बनाया जाता है दोस्तों, उसको पहले डाल दिया जाता है दोस्तों, और उसके बाद फिर ये कॉलम की सेंटिंग लगाई जाती है। दोस्तों देखिए, दोस्तों स्टेप कॉलम की सेंटिंग लगाई जाती है। कॉलम स्ट्रक्चर में सबसे पहले दोस्तों यही है, कॉलम पहले उठाना चाहिए दोस्तों। कॉलम कैसे क्या करना है दोस्तों, इसके बारे में अगर और कुछ वीडियो जानकारी चाहिए दोस्तों तो बताइएगा दोस्तों, हम और वीडियो बनाएंगे कॉलम के बारे में। स्टेप सेंटिंग की जाती है दोस्तों, ये बोल्टिंग द्वारा कस दिया जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये सब जगह स्टार्टर डाल दिए दोस्तों। देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं स्टार्टर। ये देखिए, देखिए स्टार्टर पट्टी साइड में रखी है दोस्तों, इसे स्टार्टर पट्टी कहते हैं दोस्तों। पहले स्टार्टर डाल दिया जाता है, उसके बाद में कॉलम की सेंटिंग लगाई जाती है। ये देखिए, ये कॉलम थोड़ा सा आउट हो गया दोस्तों। देखिए, इसे एक तरफ कवर कम मिल रहा है दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से कवर नहीं मिल पाएगा दोस्तों। कॉलम में कम से कम 40 mm का कवर मिलना चाहिए दोस्तों कॉलम में। ये जानकारी दोस्तों अच्छी लगी होंगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार की हमारे इस चैनल पे आपको सिविल से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी दोस्तों।